गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अब लोगों को छत मुहैया कराने के साथ साथ परिंदों के लिए भी घरौंदा बनाया जाने लगा है। यह खबर सुनकर आपको भले ही आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। इसकी शुरुआत खुद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वीसी के आवास से शुरू की गई। आपको बता दें कि जीडीए के वीसी आवास में पक्षियों के लिए 60 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इस बर्ड फ्लैट्स में 60 पक्षियों के रहने की व्यवस्था होगी। इन फ्लैट्स में पक्षियों के पानी, खाने और नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी तैयार किया गया है। पक्षियों के फ्लैट्स में सुबह और शाम दाना भी डाला जाएगा। लोगों ने अपने ही आवास पे जीडी आवास पे ऑफिशियल रेजिडेंस पे एक 60 यूनिट्स का एक हाउस बर्ड बनाया है, बर्ड हाउस बनाया है। और इसका मकसद यही है कि कई अपार्टमेंट्स में, अभी तो हमने यहाँ पे लगाया जहाँ पे पेड़ हैं, फिर भी कई अपार्टमेंट्स में जहाँ पे नए अपार्टमेंट्स होते हैं पेड़ छोटे होते हैं, उतनी जगह ओपन नहीं होती है, चिड़ियों को देखने के लिए बच्चों को मौका नहीं मिलता है। एटलीस्ट एक प्लेस है जहाँ पे बर्ड्स आके रेस्ट कर सकती हैं, बच्चे भी उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड वो क्लोजनेस टू नेचर जो होना चाहिए ट्रू सेंस में वो बना रहे। तो इस एग्जांपल को हम लोग 2-3 अपने खुद की योजनाओं में, मधुबन बापू धाम है, चंद्रशिला है, इनमें फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं और अगर इसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं कैसा आता है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की भी जरूरत है। फ्लैट्स की बनावट की बात करें तो पक्षियों के फ्लैट्स की ऊंचाई 15 फीट है। वही फ्लैट के चारों तरफ लोहे के फ्रेम लगाए गए हैं। इसके अंदर से लकड़ी का ढांचा तैयार किया गया है। इसमें 10 फीट का पोल और 5 फीट में फ्लैट बनाए गए हैं। लागत की बात करें तो फ्लैट्स बनाने में लगभग 2 लाख रुपए की लागत आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।